हेलो दोस्तों, वेलकम टू यमी फूड्स। आज हम बना रहे हैं जुकीनी नूडल्स, और उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो कुछ इस तरह से है। ये मैंने एक जुकीनी ली है और उसको मैंने बिल्कुल पतला पतला काट लिया है, लंबा। अब ध्यान दीजिए कि ये बिल्कुल एक जैसी बराबर कटी हुई हो। उसके अलावा हमने लिया है पत्ता गोभी, गाजर, ये मैंने भावनगरी मिर्ची ली है, ये है रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च। इन सबको मैंने पतला पतला और लंबा लंबा एक जैसा काट लिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है रोस्टेड मूंगफली एक बड़ा चम्मच, सोया सॉस एक बड़ा चम्मच, शेजवान सॉस एक चम्मच, यहाँ पे मैंने सिरका लिया है एक चम्मच, नमक स्वादानुसार, ये रोस्टेड तिल लिए हैं थोड़े से, उसके अलावा यहाँ पे काली मिर्ची पाउडर और तेल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं जुकीनी नूडल्स। इसके लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई गरम कर लीजिए। अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें सब्जियां डालेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे हमारी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और गाजर। इसको एक मिनट आप फैला लें तेल में। एक मिनट भूनने के बाद में हम इसमें तीनों तरह की शिमला मिर्च डालेंगे, ग्रीन, येलो एंड रेड, और भावनगरी मिर्ची। भावनगरी मिर्ची स्पाइसी नहीं होती है, हमें इन सब्जियों को गलाना नहीं है, बस हल्का सा तेल में सॉस करना है। अब हमारी सब्जियां एक मिनट और भून गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे जुकीनी। और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। जुकीनी को बहुत ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, और हम इसे सब्जियों में मिक्स करके बाकी मसाले डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, विनेगर, काली मिर्ची पाउडर, शेजवान सॉस। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है। नमक हम बिल्कुल एंड में डालेंगे ताकि हमारी सब्जियां पानी ना छोड़ें। और सफ़ेद तिल और मूंगफली भी हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमारी सब सब्जियां मिक्स हो गई हैं आपस में। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अपने स्वादानुसार डालिए, या फिर एक चम्मच के तकरीबन नमक डाल लीजिए। अब हम इसमें तिल डालेंगे और मूंगफली भी डालेंगे। इन सबको एक अच्छा सा टॉस दे दीजिए। और अब आपके जुकीनी नूडल्स रेडी हैं सर्व करने के लिए। गैस कीजिए बंद और इन्हें निकालिए बाउल में जिसमें आपको सर्व करना है, और गर्मा गर्म जुकीनी नूडल्स सर्व कीजिए। आपके स्पाइसी जुकीनी नूडल्स सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें बनाएं और इन्हें इंजॉय करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए बाय।